नारायणपुर हाड़ा के लोगों की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसकी जानकारी में ईटीओ और ठेकेदार ने बताया कि ईटीओ नरेंद्र वालिया अपनी टीम के साथ गांव में शराब का ठेका खुलवाने आए थे, तो लोगों की ओर से विरोध किया गया, जिनका कहना है कि ठेका खुलने से गांव का माहौल खराब होगा, शराब पीकर लोग गाली गलौज करेंगे, मारपीट करेंगे और बहु बेटियों बच्चों पर इसका प्रभाव बुरा होगा, जिसके चलते उन्होंने विरोध भी किया और शराब के ठेके से शराब की पेटियों को निकाल कर आग के हवाले कर दिया। एक्चुअली जुगियाल जिहड़ा साडा सर्कल उहदे विच जिहड़े ठेकेदार पवन कुमार जी ने उन्हां दा एक सब पिंड जिहड़ा वा पिंड विच खुल्लिया होया जिहदा नारायणपुर नाम है, उत्थों दी उन्होंने शिकायत की सी कि 12 तरीक नूं कुछ पिंड दे राजक तत्व इकट्ठे हो के तो उन्होंने ना ठेका बंद कर दिता, खुद ही सेल्समैन उत्थों कढ दिता, चाबी अपने कोल लै ली। फिर मैं इन्हां नूं काफ़ी देर कहा भी उन्होंने सलाह सलाह की जाए, हाँ उन्होंने काफ़ी धमकियां दित्तियां गईयां, कुछ वीडियो सामने आईयां ने जिन्हां विच उन्होंने धमकियां दित्तियां गईयां जदों अविक्ट कर रहे थे उन्होंने मौके ते। असीं तां सब तों पहले जिहड़े मेन गरीबड़ बंदे सी जिन्हां ने शिकायत की हुई सी उन्होंने बुलाया गया ते काफ़ी बंदे उत्थे इकट्ठे हो गए, पर उन्होंने हौली हौली बाद शरारती तत्वां वांगू बिहेव करना शुरू कर दिता, साडा रस्ता रोकिया, काम करन तों रोकिया, ते बाद फिर ठेके च अग जणी की है, लेडीज़ बुला लिया गई उत्थों पिंड दीआं, उन्होंने सारा समान चुक के बाहर सुट दिता, तो काफ़ी नुकसान किया, सरकारी माली का भी नुकसान हो चुका वा, बाकी जो भी है थाने के जो एस एच ओ साहब भी धारकल के भी मौके पर आ गए थे तो उन्होंने सामने ही सारा कुछ हैपन होया वा, उन्होंने सामने अग जनी हुई है, लोगों ने बाहर समान सुटिया चुक के, टोटल मतलब रकस उत्ते फैल गया से कोई कंट्रोल तो बाहर हो गई तो थाने दरखास्त दे दी है, उन्होंने दस दिता संबंधित धारावं जिड़िया भी लगदिया होनगियां उन्होंने बनती कार्रवाई की जाएगी। एक्चुअली ये जुगियाल ग्रुप का ठेका हैगा जी, इतने नारायणपुर हैगा पिंड, उहदे विच इक साडा ना सब एंड खुलिया होया हैगा, हाँ जी, ते उहदा उहदे उत्ते लोकल जिहड़े उत्थे दे मोदवर ने जां कोई कुछ व्यक्ति ने उन्होंने ठेके ते करिंदे नूं डरा धमका के उहनूं बाहर कढ़िया, ताला लगाया और चाबी लै गई। दो तीन दिन हो गए, 12 तरीक नूं उन्होंने ठेका बंद करके चाबी लै गए सीगे, उस तो बाद जिहड़े ठेके दे इन्हां दे लसंसी ने उन्होंने एस एच ओ नूं कंप्लेंट दित्ती कि भी साडा ठेका इदां बंद कर दित्ता गया, आ कुछ होया, डिपार्टमेंट नूं भी सानूं इक एप्लीकेशन आ गई इन्हां वल्लों, हाँ जी, एस एच ओ नूं, उस तो बाद मैनूं भी कीती गई एक कंप्लेंट जिहड़ी कि मेरे कोल कॉपी हैगी है, मैं सोचा कि चलो एस एच ओ तां अर्जी कर रहे ने इहदे बारे कारवाई ते असीं भी करदे हां, एक दिन निकलिया, दो दिन निकले, तीसरे दिन अज मैं फिर अपने मुलाजम लैके अपने इंस्पैक्टर साहब नू लैके कंसर्न ठेके ते पहुंची, जो मैं पहुंची उत्थे ते मैं इंटीमेशन भी दित्ती थाने जाके, इंटीमेशन दित्ती कि सर कार्रवाई, वो कहंदे जी असी कर रहे हैं, मैं कहा चलो ठीक है, तो मैं अपना ठेका जाके देख आनी हाँ, जो मैं अपने ठेके ते पहुंची उत्थे नारायणपुर अपने मुलाजम नाल अपने स्टाफ नाल, तो उत्थे असी मोदवर नू कॉल की भी तुसीं जी आओ ते आके अपना ठेके ते आपां देखिए। चलो आए वो बंदे ठेका खोलिया, उहदे विचों साडा एक तां समान कढ़िया होया सी, गला गले दे विचों समान चोरी किया होया सी, ठेक जिहड़ा नकदी वगैरह बोतलां भी शराब दीआं पेटियां भी घट सीगियां, असीं उह गिन के हले गल हो गया, काफ़ी नुकसान होया जी, डेली दी सेल हैगी 10-15 हज़ार रुपया उस ठेके दी, उह होई है ते गले च भी होएगा 15-20 हज़ार होएगा ठेके, ओबियसली हुलड़बाजी शुरू कर दी थी, ते असी कह रहे कि ठीक है मता तुसी दिता होया 31 तक वैलिड है, उस तो बाद आपां टेबल ते बैठ के गल करदे हैं, पर आपां ठेका नहीं बंद कर सकते क्योंकि सरकार दा रेवन्यू लॉस हुंदा इस नाल, ठीक है, तुसी हाँ लसेंसी ने पे कीती हुई है फीस 2 लाख इस ठेके दे लई। फास्टवे पठानकोट की हर खबर को सोशल मीडिया पर देखने के लिए आप फास्टवे न्यूज़ पठानकोट के यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए और फास्टवे न्यूज़ पठानकोट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।